हेलो गाइस, तो आज एज पर योर डिमांड 1 month रिव्यू वीडियो आ गई है वीवा क्रूजर की। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इसमें आपको बताया जाएगा क्या इसमें प्लस पॉइंट है, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। और अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको इंस्टेंट मिलती रहे। और इसमें मैं आपको बता दूं कि साइकिल को 1 month राइडिंग करते हुए मुझे हो गया है, और इसकी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा लाइव वीडियो और रेसिंग इसकी स्पीड मैक्सिमम कितनी है। और आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इसमें मैं दिखा पहले मैंने वीडियो में लास्ट वीडियो में जैसे ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग को देख सकते हो। और मैंने एक वीडियो में फीडबैक दिया था ताकि इसकी स्पीड कितनी है। इसकी स्पीड 42-60 किलोमीटर के बीच में रहती है, मैक्सिमम आप इसे 70 तक चला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें ब्रेक हर एक चीज़ इसमें एलुमिनियम की मिलेगी आपको ताकि लाइट वेट रहे। जो आपको गियर बॉक्स मिलता है इसमें शिमानो का मिलता है, और शिमानो के ही आपको हैंडल बार पे इसमें ब्रेक का लीवर भी और गियर सिस्टम एडजस्ट करने के लिए शिमानो के मिलते हैं। और आप पूरी साइकिल में देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्युमिनियम की है ताकि वेट काफ़ी हल्का रहे। 8 से 10 केजी के बीच में इसका वेट रहता है। अगर आप इस पे एडिशनल स्टैंड वगैरह लगाते हैं तो वेट थोड़ा सा बढ़ सकता है, 10 केजी से अप्रॉक्स जा सकता है। मैक्सिमम राइडर्स को आपने देखा होगा स्टैंड नहीं लगवाते हैं वो साइकिल में ताकि राइड के टाइम पे बैलेंसिंग अच्छी रहे और वेट भी काफ़ी कम रहे। और अब आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपको ब्रेक मिलते हैं काफ़ी पावर ब्रेक होते हैं, ये डिस्क ब्रेक से अच्छे रहते हैं। कईयों का कन्फ्यूज़न ये था कि इतनी महंगी साइकिल में डिस्क ब्रेक क्यों नहीं है, तो इसमें मैं बता दूँ ये पावर ब्रेक होते हैं, ये डिस्क ब्रेक से भी हैवी होते हैं। और इसे आप इजीली अपने घर पे ही कम लूज टाइट कर सकते हो, यहाँ इसमें ऑप्शन होता है, इससे आप इसे लूज टाइट कर सकते हो। कभी ब्रेक एडजस्ट करने हो आप इसे मूव करिए ऊपर नीचे, आप एक ही बार में आपको आइडिया लग जाएगा इसको थोड़ा लूज करना है, नीचे वाले को थोड़ा टाइट करना है, ये ब्रेक टाइट हो जाएंगे। एक इसमें एडवांस भी है कि इसमें आप नीचे करते हो इसे तो इसके ब्रेक टाइट हो जाएंगे। इसको ऊपर करके रखिए और टायर को घुमा के देख लीजिए ताकि ये टायर इजीली मूव करे, ऐसा ना हो कि टायर को ही जाम कर दे ये। और आपको इसमें एक चीज़ और दिखाते हैं कि ब्रेक के साथ ही इसमें आपको मिलता है गियर बॉक्स। यहाँ पे आप इधर से आप गियर डाल सकते हैं, यहाँ से आप गियर निकाल सकते हैं। मैक्सिमम स्पीड भी जो है इसमें वो है 7x2 जो कि हो जाती है 14। 14 स्पीड आपको इसमें मिलती है पूरी साइकिल में ऑलमोस्ट। और प्रिंटिंग इस पर इतनी ज़्यादा अच्छी है कि दूर से ही अलग ही अट्रैक्टिव मेटल प्रिंट मिलता है आपको इसके ऊपर, 3D प्रिंटिंग है बॉडी पे। सीट में आपको साइज़ दिए गए हैं पीछे, अगर आप देखते हो कि किस साइज़ पे आप एडजस्ट करना चाहें इसको ईजिली, आपको जितनी मैक्सिमम हाइट रखनी है इसकी सीट की, आपको सीट पर बैठने के बाद आपके पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए, पैर में हल्का सा भी बैंड नहीं होना चाहिए ताकि आपके घुटने पूरी तरह खुल सके राइडिंग के टाइम पे। और हैंडल बार को थोड़ा सा ऊपर रखना है ताकि आपकी इजीली ग्रिप ऊपर से ही बन जाए और नीचे से भी आपकी इजीली अच्छे से ग्रिप बने। रेसिंग के टाइम को आपको नीचे पकड़ना, अगर आप स्मूथ नॉर्मल स्पीड पर चला रहे हो तो आप ऊपर से पकड़ सकते हैं। टायर में जो हवा, आपको प्रेशर मेंटेन रखना है हमेशा, राइड के बाद आपको टायर में एयर प्रेशर चेक करवाना है। और पूरी ही साइकिल में ऑलमोस्ट पॉजिटिव फीडबैक है कि एक महीने बाद भी इसमें कुछ भी कमी नहीं आई है, ना ही ये इसमें कोई, अभी मैंने सिर्फ एयर प्रेशर इसमें चेक करवाया है, बाकी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है चलने में एकदम। आपको इसकी लाइव वीडियो दिखाते हैं। आप गाइस स्कूटी के मीटर पर जरूर देखिए कि 50 क्रॉस कर चुकी है, अभी आपने देखा 50 की स्पीड में अभी हमारी साइकिल चल रही है। आगे देख के, आगे ट्रैफिक है बहुत ज़्यादा, आराम से चलाओ थोड़ा सा। अब देखिए गाइस हमारे दिल्ली के ट्रैफिक में चल रही है तो थोड़ा सा हमें मैक्सिमम इसे ज़्यादा नहीं चला सकता, कि किसी रेसिंग ट्रैक पर होगी तो 70-80 ये इजीली हम पहुंचा सकते हैं इसे। तो अभी हम एक थोड़ा सा सेफ्टी के साथ चला रहे हैं। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। अब देखिए हम दिखाते हैं इसकी दूसरी वीडियो।
गाइस साइकिल को पास से देखिए, इसमें आपको तीन कलर के ऑप्शन मिलते हैं, एक रेड मिलता है आपको, एक सी ग्रीन मिलता है, एक नियॉन ग्रीन। नियॉन ग्रीन इसका सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर है, वीडियो में आप देख सकते हैं, और पूरी ही बॉडी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, इस प्राइस में रोड बाइक में सबसे बेस्ट है। गाइस रोड बाइक्स की और वीडियो इस वीक डलने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो इसी वीक आने वाली है।